चलें हम शुरू करते हैं आज का। स्क्रीन शेयर मैं कर रही हूँ, मुझे बताइएगा स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? यस मैम, नजर आ रही है। हाँ जी, कल हमने ओरल कैविटी कंप्लीट किया था, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फेरेंस और उसके बाद है इसोफेगस। आज हम ये दो पढ़ेंगे। इधर पहले तो मैं आपको ओरल कैविटी अगर आपको याद हो तो उसको आप जरा रिवाइज कर दीजिए, कल अगर आपने पढ़ा है उसको तो ये जरा थोड़ा सा बस उसको रिवाइज करके फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, आप में से कोई एक जरा कल वाला रिवाइज कर दे, थोड़ा सा समराइज कर दे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारा आप रिवाइज कीजिएगा, समराइज कीजिए कल वाले को हमारा। हमारे हैं हमारे साथ कमर नजीर, आप कीजिए समराइज कर दीजिए। कमर नजीर, बहुत ही मशहूर था मिड टर्म पेपर बनाने में, कल तो इतना हमने पढ़ा भी नहीं है। चले ठीक है, शुरू करते हैं आगे। ये आप देखिए, कल हमने ओरल कैविटी पढ़ लिया था, ठीक है, अब हमने फेरिंग से स्टार्ट करना है। लेकिन इसमें कल जो मैंने बाद में लेक्चर यूट्यूब पे शेयर किया है उसमें आप देखिएगा, एक जो डायग्राम, अब मुझे याद नहीं है कि मैंने आपकी क्लास के साथ वो शेयर की थी या नहीं, जिसमें सारे ग्लैंड्स की, ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनकी लोकेशन शो की हुई थी कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा ब्रांड है, तो आप उसमें देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मे भी मैंने आपकी क्लास के साथ शेयर किया, मेरे को नहीं आ रहा, दूसरी क्लास के साथ किया था। अच्छा, अब ओरल कैविटी के बाद अब हमने इसमें एक चीज हम देख लेते हैं, ये इसमें जो है सॉफ्ट पैलेट, ये हिस्सा पीछे की तरफ जो है ये सॉफ्ट पैलेट इसे कहते हैं, और इसी सॉफ्ट पैलेट की एक्सटेंशन उसके साथ जो एक ये फ्लेशी सा हैंग कर रहा है एक पार्ट, ये असल में इसे हम कहते हैं यूवियुला। अभी जो हमने इसोफेगस का पढ़ना है और स्पेरिक्स का पढ़ना है, फिर आज हमने यानी कि इन इन पार्ट्स के दोनों के फंक्शन पढ़ने हैं, तो जब हम स्वेलिंग पढ़ रहे होंगे तो उसमें ये आएगा यूवियुला। जब मैं कहूँ यूवियुला तो इससे मुराद ये वाला फ्लेशी सा हैंगिंग पार्ट है जो सॉफ्ट पैलेट के साथ से हैंग कर रहा है, ठीक है, इसे यूवियुला कहते हैं। ठीक है, अब फिर हम शुरू करते हैं। फेरिंक्स जो है ये वो हिस्सा है जो जिसको हम उमन गला कहते हैं, कि ये गला है हमारा, तो उसमें जो ये डाइजेस्टिव ट्रैक, ये जो ट्यूब है डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट जो ये इस थ्रॉट वाले जगह पे आता है उससे हम कहते हैं ये फेरिंक्स है। और फेरिंक्स के बाद जब ये ट्यूब आगे को जाती है तो उस हिस्से को फिर हम इसोफेगस कहते हैं, यानी स्टमक से पहले वाला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं इसोफेगस। और इसोफेगस कहाँ से स्टार्ट होता है? लेरिंक्स से। इस ये जो यूवियुला है यहाँ से लेके और लेरिंक्स तक का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं ये फेरिंक्स है। और फेरिंक्स के बाद जो आगे ये डाइजेस्टिव ट्रैक जा रहा है स्टमक तक उसको हम कहते हैं इसोफेगस, ठीक है। अब ये जो है फेरिंक्स, जब हम फूड को, कल हमने ओरल कैविटी में ये पढ़ लिया था कि जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं तो फिर उसकी मैस्टिकेशन होती है, और चूंकि उसके अंदर म्यूकस जो है, सलाइवरी ग्लैंड की सीक्रेशन है, वो उस फूड के साथ मिक्स हो जाती हैं, और फूड जो है वो अब वो बोलस की फॉर्म में इजीली मूव कर सकती है। और दूसरा, उसके साथ म्यूकस और की मिक्सिंग का ये फायदा होता है कि जब उसमें ये वाटर सीक्रेशन मिक्स हो जाती हैं फूड के साथ, तो फिर अब वो केमिकल्स को डिजॉल्व करती हैं, तो ये जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं, टेस्ट बर्ड्स हैं, ये उसको डिटेक्ट कर लेते हैं टेस्ट को। तो दो फायदे हो जाते हैं, एक तो ओरल कैविटी में जो वाटरी सीक्रेशन है, एक वाटरी सीक्रेशन है, एक तो फूड को उसकी मैस्टिकेशन में हेल्प कर रही है, उसकी उसको
बोलस बना रही हैं ताकि वो इजीली पास आउट करे उसमें से आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में से. दूसरा ये कर रही हैं कि जो वाटरी सेक्रेशन हैं वो जो फूड में केमिकल्स हैं उनको जब डिजोल्व करते हैं तो टेस्ट बर्ड ये रिसेप्टर्स हैं वो उनको डिटेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, वो जो टेस्ट है उनको सेंस कर लेते हैं. अच्छा, अब इसके बाद जब फूड ने मूव करना है यहाँ से गुजरते हुए जब उसने पीछे जाना है फेरिंग्स में और फेरिंग्स से उसने जाना है इसोफेगस में, तो जब इसने ये गुजरना है तो ये जो ये हैंगिंग पार्ट है ना ये बैकवर्ड मूव करेगा. ठीक है, और ये जो यहाँ पे नेजल पैसेज है वहां पे फूड को जाने से रोकेगा. ठीक है, और जब यहाँ से मूव करके फेरिंग्स में जाएगी फूड तो उसके बाद ये होगा. अब जो यानी कि च्यूइंग करने के बाद अब फूड को आगे मूव करवाना है तो उसमें स्वेलिंग के दौरान कौन कौन से इसमें सारे ये जो है आपकी ये जो ओरल कैविटी है उसमें क्या चेंजिंग आ रही है या जो ये पेरेंट्स है उसमें जाते हुए उधर वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, हम जरा इनको देखते हैं. इनमें से बहुत सारी चीजें तो आपको मतलब आप खुद कॉमनली ऑब्जर्व करते होंगे लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको लगेगा कि ये तो एक नई बात है. जैसे अब मैंने आपको बताया कि ये जो यूविला है ये अपवर्ड मूव करता है ताकि नेजल पैसेज वे को ब्लॉक कर दे और जो फूड और लिक्विड है वो उसमें एंटर ना हो. ठीक है, उसके अलावा जब हम निगल रहे होते हैं, जब हम स्वेलो कर रहे होते हैं दौरान आप सारे अपना माइक म्यूट रखिए. अब किसका माइक अनम्यूट है? मोहम्मद बिलाल आपको रिमूव हो गई समझ आने में मेरा ख्याल. तो इसमें अब ये है कि जब हम स्वेलो करते हैं, जब हम निगलते हैं तो उस टाइम पे जो ये च्यूइंग है ये रुक जाती है. ऐसा नहीं होता कि आप साथ साथ च्यू कर रहे हैं और साथ साथ आप निगलते जा रहे हैं. जब हम स्वेलो कर रहे होते हैं तब च्यूइंग जो है ये काम रुक जाता है. तो जब हम करते हैं स्वेलो इसको पहले जो ये बोलस है वो मूव करेगा इसमें फेरिंग्स में और ये हम मतलब बड़ा कॉन्शियसली नहीं स्वेलो कर रहे होते, ये इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन होता है. यानी जब हमारी टंग जो है वो बोलस को पुश करती है तो फेरिंग्स में पुश करती है तो बस ये इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन है स्वेलिंग. ठीक है, और जो ही हम उसको पुश करते हैं बोलस को फेरिंग्स में जाने के लिए तो जो सॉफ्ट पैलेट है अभी मैंने आपको बताया कि जो यूविला है ये रेस करता है और फूड और लिक्विड को नेजल कैविटी में एंटर होने से प्रिवेंट करता है. और जो टंग है वो भी अपवर्ड मूव करती है, वो भी रेज करती है और जो ओरल कैविटी की बैग उसको सील कर देती है. और उसके बाद जो है वो ये जो बोलस है ये जब एंटर करेगा इसने फेरिंग्स में एंटर करना है तो इसमें आप ये देखिए ये फूड इसको आप एंटर ये आप इंजेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब फेरिंग्स जो है वो ये पार्ट है, ये पार्ट जो है ये फेरिंग्स है ये पार्ट. ठीक है, यहाँ तक यहाँ पे विंड पाइप होगा तो विंड यानी लेरेंक्स तो लेरेंक्स से पहले तक यानी लेरेंक्स तक ये एसोफेगस है. ठीक है, ये सारी तो अब एसोफेगस कह रही हूँ ये फेरिंग्स है. अब जब आप फूड को स्वालो कर रहे हैं तो एक तो ये कि जो यहाँ पे यूविला था वो अपवर्ड मूव कर रहा है, दूसरा आपकी टंग अपवर्ड यहाँ से टंग अपवर्ड मूव करके यहाँ से सील कर देगी कैविटी को. ठीक है, तीसरी बात इसमें तीसरा इवेंट ये होता है कि ये जो ये वाला पार्ट है ये देखिए एपिग्लॉटिस ये जो है ये विंड पाइप और साथ ही ये इसोफेगस यानी ये फूड की नाल है और ये एयरवे है, दोनों साथ साथ हैं. खुराक की नाली और आपके जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है दोनों साथ साथ हैं. अब दोनों की ही ओपनिंग है. अब यहाँ से जो फूड आ रही है वो यहाँ भी तो आ सकती है. ठीक है, लेकिन होता ये है कि ये जो फेरिंग्स है ये इस पाथवे को क्लोज कर देता है. जब बोनस च्यू किया हुआ आप आगे मूव करवा रहे हैं अब ये इसको क्लोज कर देगा. अभी डायग्राम में आपको ये देखिए यहाँ पे बोनस जब यहाँ पे आया तो उसने ये विंड पाइप को क्लोज कर दिया फेरिंग्स उसने एपिग्लॉटिस ने इस एयर पाथवे को क्लोज कर दिया. अब फूड जो है वो यहाँ मूव करेगी. अगर कहीं कोई गलती से कोई पार्टिकल चला भी जाता है ना तो फिर मतलब उसी टाइम पे कफिंग इंड्यूस होगी और जो भी अगर कोई पार्टिकल वगैरह गया है तो उसको एक्सपेल कर दिया जाएगा.
अच्छा तो अब बोरस जब मूव कर रहा है तो ये जो इसमें फेरिक्स में तो यहाँ पे जो एपिग्लॉटिस था उसने इस विंड पाइप को क्लोज कर दिया और फूड जो है ये देखिए एसोफेगस में आ गया। देखिए अब फूड जो है वो एसोफेगस में इसमें फेरिक्स से होती है एसोफेगस में और एसोफेगस से इससे जाना है स्टमक तक। ठीक है अब आप ये याद रखिए कि ये जो फेरिक्स से गुजर रही है और एसोफेगस से गुजर रही है ये सिर्फ एक पैसेज वे है स्टमक तक, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं हो रही। ठीक है एसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं हो रही, सिर्फ जो इस पाथवे के एसोफेगस के जो ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं ये जब अल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं जिस मूवमेंट हम पेरिस्टाल्सिस कह रहे थे इन मसल्स के अल्टरनेटिव मूवमेंट से वो फिर बस फूड को मूव करवा रहे हैं टुवर्ड्स स्टमक। तो स्टमक जो है उस पर हम जाते हैं अगर यहाँ इसकी डेंथ लिखी हुई है कि 10 inches होती है 25 centimeters ये जो मस्कुलर ट्यूब एसोफेगस है इसकी लेंथ जो है वो 10 inches तक होती है। ठीक है और यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होती और जब स्टमक में से जाना है स्टमक तक जाना है एसोफेगस ने तो ये डायाफ्रेम में इसके लिए एक पैसेज होता है थोड़ा सा एक एरिया होता है जिसमें से ये पास करके डायाफ्रेम को पास करके एसोफेगस स्टमक तक जाती है। तो ये जो स्पेस होती है डायाफ्रेम के अंदर एसोफेगस तक इसमें से पास करे और स्टमक तक जाए तो उस स्पेस को एसोफेजियल हाइटस कहते हैं। अगर डायाफ्रेम जो है वो स्ट्रांग नहीं है बल्कि वीक है तो ये जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है एब्डोमिनल ये जो कैविटी है उससे ऊपर ऊपर डायाफ्रेम पड़ा होता है ना इंस्पिरेटरी ट्रैक में हमने पढ़ा था कि ऊपर ऊपर पड़ा होता है डायाफ्रेम तो इसमें से गुजर के ही वो नीचे उसने स्टमक में जाने ना एसोफेगस में तो डायाफ्रेम में जो स्पेस है जिसमें से एसोफेगस गुजर रही है उसे एसोफेजियल हाइट्स कह रहे हैं। और अगर स्टमक ये जो अगर डायाफ्रेम जो है ये वीक है तो ये जो पोर्शन जो स्पेस है एसोफेजियल हाइट्स इसमें से एब्डोमिनल ऑर्गन जो है वो प्रोट्रूड करेंगे वो इसमें से बाहर को आएंगे इसमें से निकलेंगे यानी कि एब्डोमिनल कैविटी से अपवर्ड आ जाएंगे डायाफ्रेम की उस स्पेस में से ऊपर को मूव करेंगे प्रोट्रूड करेंगे। ठीक है तो इस कंडीशन को हम हाइटल हर्निया कहते हैं। ठीक है यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको कि एसोफेगस जो है ये 25 centimeters या 10 inches लॉन्ग ट्यूब है जो फूड को पेरिस्टाल्सिस के थ्रू कैरी करती है टुवर्ड्स स्टमक इनटू द स्टमक जाना चाहिए। ठीक है और दूसरा ये कि जब च्यूइंग करके आप बोलस को मूव करवाएंगे फेरिंग्स में और उसके बाद एसोफेगस में जब वो फेरिंग्स में मूव कर रही है तो उस दौरान क्या इवेंट्स हो रहे हैं यानी आपकी जो टंग है वो ओरल कैविटी की बैक साइड को सील कर रही है अपवर्ड मूव करके रेस करके। दूसरा हमने ये पढ़ा कि जो सॉफ्ट पैलेट के एंड पे वो जो फ्लैशी से हैंगिंग स्ट्रक्चर है जिसको यूविला कह रहे हैं वो भी अपवर्ड मूव करके तो नेजल पैसेज वे को क्लोज कर रहा है और जो एपिग्लॉटिस है वो विंड पाइप को क्लोज कर रहा है और फिर जो फूड है वो एसोफेगस में जा रही है एसोफेगस जो है वो डायाफ्रेम को क्रॉस करती हुई स्टमक तक जाएगी और फूड को स्टमक में ले जाएगी और जो डायाफ्रेम का वो पार्ट जहाँ से एसोफेगस मूव करके स्टमक में जा रही है उसे हम कहते हैं एसोफेजियल हाइटस। और अगर डायाफ्रेम वीक हो तो इस स्पेस में से एब्डोमिनल ऑर्गन प्रोट्रूड करेंगे और इस कंडीशन को फिर हम कहते हैं हाइटल हर्निया। हाँ जी कोई बात जो यहाँ पे क्लियर ना हो। मैम प्रोट्रूड क्या है? प्रोट्रूड करने का मतलब है उसमें से उभरेंगे ऊपर को आएंगे। वैसे तो एब्डोमिनल कैविटी में जो ऑर्गन्स पड़े हुए हैं उसी में रहते हैं ना लेकिन ये जो स्पेस ऊपर है डायाफ्रेम में वो है तो एसोफेगस के लिए लेकिन अगर ये डायाफ्रेम वीक है तो फिर उस स्पेस को ये एक्सप्लॉइट करेंगे ऑर्गन्स और उसमें से ऊपर की तरफ मतलब इसको पुश करते हुए इसमें से ऊपर को उभर आएंगे। हाँ जी समझ आ गई आप सबको? यस मैम। कोई पॉइंट जो ना क्लियर हुआ है? चलिए ठीक है हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है स्टमक और स्टमक जो है ये जे शेप का। अच्छा जब मैं यहाँ से चेंज करती हूँ ये मैंने अडोब रीडर में जो मुख्तलिफ फाइल्स खोली हुई तो आपके सामने फिर स्क्रीन शो होती रहती है? हाँ जी अब आपको ये स्टमक की डायग्राम नजर आ रही है? मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा चले मैं अब मेरे ख्याल अब क्लियर आपको आवाज आ रही है। हाँ जी अब मुझे ये बताइए कि ये आपके सामने अब स्टमक की डायग्राम शो हो रही है? जी मैम। चलिए मैं ये
हाँ जी, ये देखिए स्टमक जो है ये जे शेप आती है, जे शेप, ठीक है। इसमें फूड ने एंटर होना है इसोफेगस से, और जब फूड के साथ जो कुछ यहाँ पे होना है उसकी डाइजेशन होनी है और सारा वो, यहाँ से होने के बाद फूड ने इस यहाँ से मूव करते हुए कहाँ जाना है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो दो एंट्रिंग, और ये एक एंट्रिंग पॉइंट है, एक फूड का लिविंग पॉइंट है, तो जहाँ से फूड एंटर होती है वहां पे भी एंट्री को गार्ड करने के लिए यहाँ पे मस्कुलर रिंग होता है जिसे हम कहते हैं कार्डिक स्फिंक्टर, ठीक है। कार्डिक स्फिंक्टर इस वजह से इसको कहते हैं कि ये पार्ट जो है ये उसको हार्ट से सेपरेट कर रहा होता है। ये मैं आपको किसी और फिर डायग्राम में दिखाती हूँ जहाँ पे पूरा स्टमक भी है, जो सारे ऑर्गन पड़े हुए हैं, तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। ये इसको कार्डिक स्फिंक्टर हम कहते हैं, ठीक है। जब फूड यहाँ से एंटर करती है एसोफेगस से स्टमक में, तो ये वाला जो इसका हिस्सा है, ये जो एक आर्क शेप्ड स्ट्रक्चर है ना, उसमें से जो लार्जर पोर्शन है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। ये जो है ये ग्रेटर कर्वेचर है, ये हिस्सा, ठीक है। और ये वाली जो आर्क एक बन रही है ना, ये छोटी सी आर्क बन रही है, इसे हम लेसर कर्वेचर, जे शेप ऑर्गन यानी स्टमक जो है इसका ये वाला पोर्शन जो एक बड़ी सी आर्क बना रहा है, इसको हम कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर। ये देखिए ये ग्रेटर कर्वेचर है, और ये जो छोटी सी आर्क बन रही है इससे, इसे हम कहते हैं लेसर कर्वेचर, ठीक है। इस ये जो पहला जब एसोफेगस से फूड ने एंटर होना है, तो यहाँ पे जो एक वाल है जो एंट्री को रेगुलेट करता है, फूड एंट्री को, बोलस की एंट्री को, यहाँ एसोफेगस से स्टमक में जो रेगुलेट कर रहा है वाल, जो मस्कुलर रिंग, उसे हम कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। और वो वाल जो यहाँ पे यहाँ जब स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम ने एंटर होना है, यानी फूड जब यहाँ से गुजरती है तो उसे हम काइम कहते हैं, फिर हम देखते हैं काइम क्या होता है। अच्छा, तो यहाँ से जब काइम एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसे हम इस वाले वाल को हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। अब होता ही है कि हमने जो पढ़ी है ना पीछे की एनाटॉमी पढ़ी है डाइजेस्टिव ट्रैक के, उसमें हमने कहा कि ये लेयर स्ट्रक्चर है, और इसमें जो बाहर है वो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल होते हैं। तो ये जो स्टमक है इसमें एक एडिशनल लेयर भी होती है मसल। उन मसल्स का काम ये होता है कि वो फूड की ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। दूसरा ये होता है कि स्टमक के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो कि अपनी सीक्रेशंस रिलीज करते हैं, और स्टमक के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे पेप्सिनोजिन जो है वो मौजूद होता है। पेप्सिनोजिन पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म है। जब फूड एंटर होती है इस यहाँ से एसोफेगस होती है स्टमक में आती है, तो यहाँ से एक तो वो HCL जो है वो फूड जो प्रोटीन आ रही है, तो प्रोटीन में जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनको जरा सॉफ्ट कर देगा। दूसरा जो पेप्सिनोजिन है वो HCL की वजह से एक्टिवेट हो के पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और पेप्सिन जो है वो उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, और प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो यहाँ पे स्टमक में हो रही होती है। और उसके अलावा जो भी फूड आ रही है उसको उसमें अगर कोई पैथोजेंस वगैरह है तो जो HCL है यानी ये जो इसके अंदर इसकी एसिडिक pH है स्टमक की, वो उन पैथोजेंस को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और दूसरा ये कि चर्निंग एक्शन होता है स्टमक के अंदर, यानी इसके इनसाइड वो वॉल है जो थर्ड मस्कुलर वॉल है, एडिशनल वॉल है, वो चर्निंग करेगी, ग्राइंड कर देगी जो भी इसके अंदर फूड एंटर हुई है बोलस की सूरत में। आवाज कट कट की आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि जब फूड एसोफेगस से एंटर होती है इसके अंदर आपकी तरफ सिग्नल्स का इशू होगा, तो इसी वजह से आवाज कट के आ रही है, बाकी मेरे पास तो सिग्नल स्ट्रेंथ बिल्कुल ठीक है। तो आपको जब रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो जाएगी तो आप उसको फिर एक दफा सुन लीजिएगा। चलिए मैं एक दफा रिवाइज भी कर देती हूँ, दोबारा दोहरा देती हूँ इसको। आप ये देखिए कि जब फूड इसमें से एंटर हो रही है, तो यहाँ पे जो स्क्रीटिंग सेल्स है इसके स्टमक की वॉल के, वो HCL भी स्क्रीट कर रहे हैं, और दूसरी चीज इसमें सॉरी वो यहाँ से जो स्क्रीशन रिलीज हो रही है, जो म्यूकस रिलीज हो रहा है, वो उसमें जो फूड एंटर हो रही है उसके साथ मिक्स हो रहा है। अब जो केमिकल्स भी उस फूड के साथ मिक्स हो गए, फूड की मजीद ग्राइंडिंग हो गई, तो अब फूड जो है उसको हम मजीद बोलस नहीं कहेंगे, बल्कि अब उसको हम काइम कहेंगे, और काइम जो है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर जब ओपन होगा
तो इसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाएगा फाइन, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये चर्निंग एक्शन होगा, यानी कोड की ग्राइंडिंग होगी। और उसके अलावा जो अगर कोई पैथोजेंस वगैरह थे, जो भी लिक्विड एंटर हो रहे हैं या फूड, जो भी फूड एंटर हो रही है उसके अंदर जो पैथोजेंस के HCL जो है वो, मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है, जो पैथोजेंस थे उनको कर देगा। मैम आपकी आवाज, हाँ जी अब क्लियर आ रही है। मैम बिल्कुल कट के अब आई है, बस इतना सा कि क्लियर आ रही है, इससे पहले कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। अच्छा अब क्लियर है? यस मैम अब ठीक है। सही जी मैम। अच्छा अब जब इसमें फूड एंटर हुई बोलस की जरूरत में, तो यहाँ उसमें HCL भी मिक्स हो गया, जिसने एक तो प्रोटीन्स में जो कनेक्टिव टिश्यूज थे मीट में उनको सॉफ्ट कर दिया, दूसरा ये कि HCL की वजह से जो फूड एंटर हो रही थी अगर उसमें कोई पैथोजेंस वगैरह थे तो उसको जो HCL है उन पैथोजेंस वगैरह को उसने किल किया। तीसरी चीज ये होती है कि जो यहाँ से म्यूकस स्प्लिट हो रहा है, जब ग्राइंडिंग होगी तो वो म्यूकस उसमें मिक्स हो जाएगा, जब HCL रिलीज होगा तो पेप्सिनोजिन जो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होगा और वो प्रोटीन की डाइजेशन कर लेगा। अब यहाँ से जो सेमी सॉलिड पास कर रही है फूड इस पाइलोरिक स्फिंक्टर से होती हुई स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रही है, तो उस फूड को हम कहते हैं काइन, ठीक है। और स्टार्ट में मैंने ये बात की थी कि ये जो हाँ जी स्टमक की आपको समझ आ गई कि एक तो ये कि इसमें एक थर्ड एडिशनल मस्कुलर लेयर है जो फूड की ग्राइंडिंग के लिए हेल्पफुल होती है, दूसरा इसमें ये है कि ये जो इसका ये वाला ये आर्क जो बड़ी वाली आर्क बन रही है इस ये शेप स्ट्रक्चर से, हम ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं, इस स्मॉलर आर्क को लेसर कर्वेचर कहते हैं। यहाँ पे जो एसोफेगस के बाद ये मस्कुलर रिंग है जो एक वाल्व है उसे हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, और इसको हम कहते हैं या इसोफिजियल स्फिंक्टर भी इसे कहते हैं, और ये जो जो फूड टाइम एंटर होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में तो इसे हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। और उसके बाद ये कि जो इसमें HCL रिलीज होगा और उसके अलावा पेप्सिन जो है वो फूड उसकी मीट की डाइजेशन करेगा, HCL जो है कनेक्टिव टिश्यूज को सॉफ्टन कर देगा, और म्यूकस वगैरह जब इसकी ग्राइंडिंग से इसमें मिक्स होकर जब फूड यहाँ से एंटर होगी पाइलोरिक स्फिंक्टर से स्मॉल इंटेस्टाइन में उसे हम टाइम कहेंगे, और HCL जो है वो पैथोजेंस को भी किल कर देगा। दूसरी बात ये है कि जो इसके अंदर ये जो मस्कुलर लेयर है उसकी फोल्ड्स होती हैं, इसका मतलब ये हुआ